हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन में वॉइस कंट्रोल के फीचर के बारे में। सो गाइस, जैसे कि आप सभी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अपने आईफोन को लॉक किया है और बस आपने यहाँ पर बोलना है अनलॉक आईफोन, तो आपका आईफोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बोलूँगा अनलॉक आईफोन, तो गाइस जैसे कि आप सभी ने देखा, मैंने यहाँ पर बोला अनलॉक आईफोन, तो ऑटोमेटिकली मेरा आईफोन अनलॉक हो गया। और कैसे हम इस नए आईफोन के फीचर को इनेबल कर सकते हैं किसी भी आईफोन में, हर एक iOS वर्जन में, तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ आईफोन 7 को। तो गाइस यहाँ पर आप सबसे पहले मेरे आईफोन का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है 15.7 और इसका मॉडल नेम है आईफोन 7। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, एक्सेसिबिलिटीज के सेक्शन के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वॉइस कंट्रोल का फीचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉइस कंट्रोल का फीचर बॉटम में है, तो सबसे पहले इसको आपने डिसेबल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनेबल करेंगे वॉइस कंट्रोल के फीचर को और यहाँ पर लर्न मोर के ऊपर टैप करेंगे, क्योंकि हमें इसको कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर डन के ऊपर टैप करेंगे, कुछ ये सेटिंग्स आपको डन करनी है। इसके बाद आपके यहाँ पर आईफोन में स्टेटस बार में टॉप के ऊपर ये ब्लू कलर का माइक का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमाइज कमेंट्स के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है। आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज कमेंट के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पर कस्टम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने और पहले से ही ये कमेंट यहाँ पर सेट कर रखी है, तो मैंने सबसे पहले इसे डिलीट करना है। तो यहाँ पर डिलीट करता हूँ इस कमांड को। उसके बाद कस्टम के ऊपर टैप करेंगे, क्रिएट न्यू कमांड के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पर आपको कोई इजी पैराग्राफ यहाँ पर आपको एंटर करना है, जैसे कि अनलॉक माय आईफोन। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक्शन और एप्लीकेशंस की ऑप्शन दिखाई देंगी, तो यहाँ पर एक्शन के ऊपर टैप करना है, रन कस्टम जेस्चर के ऊपर टैप करेंगे, सेकंड ऑप्शन को यहाँ पर आपके सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने आईफोन को लॉक करना है और यहाँ पर लॉक करने के बाद अपने होम बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी, अगर आपने जो पासकोड यहाँ पर सेट किया है उसके ऊपर आपने पेन के साथ निशान बनाने हैं, जिसके साथ आपको इजी रहेगा कि कहाँ पर आपका जो एंटर करना है, जो नंबर कौन सा है पासकोड का, वो आपको इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 0920 इसका पासकोड यहाँ पर सेट कर रखा है। सिंपली मैंने सबसे पहले इसे ओपन करना है, जिसके साथ मेरे को यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे जो डिजिट हैं वो कहाँ पर हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर 0920 एंटर किया, फिर से 0920 के ऊपर एंटर किया, सेव किया और आपका ये जो जेस्चर है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है आपके आईफोन में। तो यहाँ पर बैक जाएंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे इसे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपने आईफोन को लॉक करना है और आपको यहाँ पर बोलना है अनलॉक माय आईफोन। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पर बोला अनलॉक माय आईफोन, तो ऐसे ही आपका आईफोन अनलॉक हो जाएगा। कोई भी पैराग्राफ यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कस्टमाइज कमेंट के ऊपर लिखा है अनलॉक माय आईफोन, आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो जो कि छोटा हो, बोलने में आसानी रहे आपके लिए। इसके लिए आपको इसे इनेबल करना चाहिए अपने आईफोन में। वॉइस कंट्रोल के फीचर को आप यूज़ कर सकते हो अपनी वॉइस के साथ अनलॉक करने के लिए। कोई भी और बंदा आपका आईफोन अनलॉक नहीं कर पाएगा। सिंपली आपने बोलना है अनलॉक माई आईफोन, जो भी आपने कीवर्ड्स यहाँ पर एंटर किए होंगे वो आपने रिपीट करने हैं और आपके लिए आपका आईफोन खुद से अनलॉक करके देगा आपका आईफोन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।